हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वे इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एक्सरसाइज 3.2 उसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, सेकेंड क्वेश्चन को इसी पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। अभी हमने पीछे कंडीशन पढ़ा था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर कंपेयर करें तो पहले वाले इक्वेशन में जो वैल्यू होता है उसको A1 मानते हैं। तो A1 का वैल्यू हो गया 5, B1 का वैल्यू हो गया माइनस 4 और C1 का वैल्यू हो गया 8। A2 का वैल्यू हो जाएगा 7, B2 का वैल्यू हो गया 6 और C2 का वैल्यू हो गया माइनस 9। अब यहाँ पे अगर कंपेयर कीजिए तो देखिए A1 बाई A2 और B1 बाई B2 ये दोनों वैल्यू सेम नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो हमको पता है कि अगर A1 बाई A2 इक्वल नहीं है B1 बाई B2, तो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर A1 बाई A2 इक्वल नहीं है B1 बाई B2 के तो कैसा लाइन होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। सो लिख देंगे 1 एंड 2। सो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। सो लाइन्स 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर अपने को सॉल्यूशन सेम नहीं आया रेशियो तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इधर चेक भी ऐसे कर लो, A1 बाई A2 इक्वल टू 5 बाई 7, एक बार लिख भी देंगे एग्जाम में, और B1 बाई B2 क्या है माइनस 4 बाई 6 यानी -2/3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसके, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी सेकेंड का। सेकेंड में फोर्थ का क्वेश्चन है तो फोर्थ का क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड का सेकेंड बोलता है कि 9x प्लस 3y इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए A1 बाई A2 चेक करते हैं। अब पहले वाले में A1 A2 लिखे थे, आपको पता हो गया A1 A2 क्या है। A1 का वैल्यू 9 है, A2 का वैल्यू कितना है 18, यानी 1/2, ठीक है। चलिए B1 बाई B2 लिखते हैं। B1 बाई B2 देखिए, ये 3/6 क्या गया 1/2, और C1 बाई C2 भी चेक कर लीजिए। C1 बाई C2 क्या मिल रहा है 12/24 यानी 1/2। तो देखिए क्या दिख रहा है अपने को कि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 और इक्वल है C1 बाई C2, यानी तीनों एक दूसरे का इक्वल है। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? हमने पढ़ा था जब तीनों इक्वल हो जाए तो लाइन को इंसिडेंट हो जाएगा। सो लिख देंगे क्या, सो लाइंस 1 एंड 2 को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। चलिए इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब A1 बाई A2 चेक कीजिए, A1 का वैल्यू 6/2 कितना आ जाएगा 3। B1 बाई B2 चेक कीजिए, B1 बाई B2 माइनस 3/-1 यानी 3, और C1 बाई C2 चेक कीजिए यानी 10/9। कंडीशन दिख रहा है कि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 का और इक्वल नहीं है C1 बाई C2 का, तो ये कैसे लाइन हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। सो लाइंस 1 एंड 2 कैसा हो गया, आर पैरेलल लाइंस। ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन का तीसरा में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग ऑफ पेयर इक्वेशंस आर
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वही काम यहाँ भी करना है जो हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन में किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 3x + 2y = 5, और सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 2x - 3y = 7। इसको कैसे से कंपेयर कीजिएगा, a1x + b1y + = c1 ऐसा भी लिख सकते हो, और a2x + b2y = c2। तो यहाँ से अगर a1 की बात करें तो 3 और a2 की बात करें तो 2, तो a1 by a2 कितना हुआ, 3 by 2। उसी तरह से b1 by b2 चेक कीजिए, तो b1 का वैल्यू x इसका 2 और b2 हो जाएगा -3, और उसी तरह से c1 by c2 चेक कीजिए तो आया 5 by 7। तो अपने को देखने को क्या मिल रहा है कि a1 by a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1 by b2 का, और a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर जब भी सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम जो होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बन जाएगा। हेंस द गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बना, कंसिस्टेंट बना। चलिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला, 2x - 3y = 8, और दूसरा है 4x - 6y = 9। अब आप चेक कर सकते हो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो देखने को क्या मिल रहा है, अगर a1 by a2 यहाँ से चेक किया जाए तो 2 by 4 कितना आएगा, 1 by 2, और b1 by b2 चेक करें तो कितना मिलेगा, -3 by -6 यानी 1 by 2, और c1 by c2 चेक करें तो मिलने वाला है 8 by 9। तो फिर से अपने को दिख वही रहा है कि a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 का और इक्वल नहीं है c1 by c2 का। तो पैरेलल लाइंस होंगे, और पैरेलल लाइन होंगे तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट है ना। देखिए हेंस हेंस ये लाइन पैरेलल का कंडीशन है, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मिल गया और इनकंसिस्टेंट सेकेंड वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, थर्ड नंबर इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा पास वो है कि a1 by 3 by 2x + 5 by 2y = 7, और दूसरा है 9x - 10y = 14। अब देखिए a1 by a2 चेक कीजिए, a1 का वैल्यू तो हो गया 3 by 2 और a2 हो जाएगा 9, तो 3 by 2 * 9, 3 3 = 9, ये आ जाएगा 1 by 6 है ना, ये आया 1 by 6। चलिए b1 by b2 चेक कीजिए, b1 by b2 यानी 5 by 2 और -10 यानी 5 by 2 * 10, 5 2 = 10 यानी -1 by 4, और c1 by c2 भी चेक करते हैं यानी 7 by 14। ये c1 ये c2 ये b1 ये b2 ये a1 a2 ये बार बार याद रखिएगा 1 by 2। तो c1 by c2 मिला अपने को 1 by 2। चलिए तो यहाँ से दिख रहा है कि a1 by a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1 by b2 का, और a1 by a2 b1 by इक्वल के नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा हेंस द गिवेन इक्वेशन, हेंस द गिवेन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हेंस द गिवेन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये थर्ड नंबर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी का देखते हैं। फोर क्या बोलता है, 5x - 3y - 11 = 0, और सेकेंड बोलता है -10x + 6y + 22 = 0।
पहले चेक कीजिए ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू की बात करें तो 5 बाई -10 दिख रहा है, ये ए वन एक्स का कॉफिशियंट और इधर ये ए टू। पहले वाले इक्वेशन का जो एक्स का कॉफिशियंट वो ए वन, और दूसरे वाले इक्वेशन में जो एक्स का कॉफिशियंट वो ए टू। बी वन बाई बी टू यानी -3, और बी टू में वाई का कॉफिशियंट हो गया 6, ये भी आया -1/2। चलिए और सी वन बाई सी टू की बात करें तो -11/22 यानी -1/2। तीनों इक्वेशन इक्वल दिख गया यहाँ से, यानी ए वन बाई ए टू इक्वल है बी वन बाई बी टू और इक्वल है सी वन बाई सी टू, तीनों इक्वल हो गया, पैरेलल लाइन है ना। तो तीनों अगर इक्वल हो जाए तो कौन सा कंडीशन बन जाएगा देख लीजिए, तीनों इक्वल का कंडीशन क्या अपने पास है ना, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन होगा तो यहां से कंसिस्टेंट होगा, हेंस द गिवेन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट हो गया ठीक है। और एक लास्ट फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्या बोलता है इक्वेशन देखते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है 4 बाई 3x + 2y = 8, और दूसरा है 2x + 3y = 12। चलिए एक एक करके सॉल्व करें फिर से। ए वन बाई ए टू, ए वन का वैल्यू देखिए 4 बाई 3 बाई, और ए टू का वैल्यू 2, यानी 4 बाई 3 × 2 ये कट गया 2 बाई 3। बी वन बाई बी टू, बी वन बाई बी टू तो आपको ऐसे ही दिख रहा है 2 बाई 3, और सी वन बाई सी टू की बात करें तो 8 बाई 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ भी वही कंडीशन मिल गया कि ए वन बाई ए टू जो है वो इक्वल है बी वन बाई बी टू का, और वो इक्वल है सी वन बाई सी टू का। ये पैरेलल लाइन का कंडीशन बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो अगर सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट बन जाएगा, हेंस द गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। गिवेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट ठीक है। तो इस तरह हम इसके थर्ड क्वेश्चन तक को सॉल्व कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, है ना, लंबा चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। थैंक यू।